विरोध का फॉर्मूला। साधो, भारत में जैसा अद्भुत राजनीतिक विपक्ष है वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में नहीं। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा विरोध पक्ष कभी भविष्य में कहीं होगा भी। भारत में एक तो वामपंथी विरोधी पार्टियां हैं, इनका आधार एक विचारधारा, सिद्धांत और कार्यक्रम है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गैर वामपंथी विरोधियों की, जिनका सिद्धांत है राम की चिड़िया राम के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया तो हैं, राम के खेत भी हैं, मगर फसल नहीं है। दक्षिण पंथी पार्टियों का काम बहुत ही आसान है। एक तो इनमें से अधिकतर में एक व्यक्ति होता है जो पहले मंत्री या मुख्यमंत्री रह चुका हो, पता नहीं उसने किस तरह इतना धन कमाया होता है कि अकेले दम पर पार्टी चला देता है। ऐसी पार्टियां बहुगुणा जगजीवन राम व शरद पवार की हैं। ये सब अगर इंदिरा गांधी द्वारा मंत्री या मुख्यमंत्री बना दिए जाते तो ये पार्टियां बनती ही नहीं। अब जनता पार्टी व लोकदल जैसी पार्टियां इनके एक तिहाई सदस्य हमेशा गतिवान रहते हैं। आज लोकदल में हैं तो कल जनता पार्टी में, और परसों फिर लौटकर लोकदल में, फिर किसी प्रदेश में एक ही पार्टी के दो नेताओं में नहीं पटी तो दोनों अलग अलग पार्टियां बना लेते हैं। साधो, दूसरे लोकतांत्रिक देशों में विरोध पक्ष में मजबूत संगठन होता है, जैसे इंग्लैंड में कंजर्वेटिव लेबर पार्टियां हैं। इनके अपने घोषणा पत्र हैं, कार्यक्रम हैं। इनमें कभी नहीं सुना कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में आया राम गया राम हुआ हो। वहाँ विरोध पक्ष बहुत गंभीर होता है, राष्ट्रीय पक्ष पर गैर जिम्मेदारी से बर्ताव नहीं करता, सरकार के हर कार्य का विरोध नहीं करता, हर चीज का दोष सरकार के माथे पर नहीं मढ़ता। जैसे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है तो लेबर पार्टी के विशेषज्ञ उसकी अर्थ नीति, विदेश नीति, उद्योग नीति आदि का गहरा अध्ययन करेंगे, साथ ही अपने विचार रखेंगे। लेबर पार्टी की एक शेडो कैबिनेट होगी, यानी आगामी चुनाव जीतने पर कौन किस विभाग का मंत्री होगा ये पहले से तय होगा। इतनी तैयारी के साथ राष्ट्रीय हित ध्यान में रखकर लेबर पार्टी कंजर्वेटिव सरकार की आलोचना ठोस मुद्दों पर करेगी। साधो, ये कितना कठिन काम है। पार्टी को संगठित रखो, विचार करो, अध्ययन करो, नीति बनाओ, सिद्धांत के अनुसार चलो, कितनी बड़ी झंझट है। हमारे भारत में विरोध पक्ष ने कितना सरल रवैया अपना लिया है। एक तो 25 विरोधी पार्टियां हैं, इनमें हर एक का छोटा मझौला बड़ा नेता सिर्फ सीट पक्की करने में लगा रहता है। कभी इस पार्टी से पटाई, कभी उस पार्टी से पटाई। सिद्धांत, कार्यक्रम, नीति सब मिलाकर सिर्फ सीट होती है। अब इन विरोधियों की सरकार की आलोचना भी कितनी सरल होती है। इनमें न कुछ अध्ययन करना पड़ता है, न विचार, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, बुद्धि को तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ती, देश के भले बुरे का विचार करने की भी झंझट नहीं है, सीधी लाइन है। जो कुछ इंदिरा सरकार करती है उस पर सबको गलत कहो और हर समस्या की जिम्मेदारी इंदिरा गांधी के सिर पर रखते जाओ। कितना आसान काम है। भूकंप कहीं आ जाए तो फौरन बयान जारी करेंगी कि इंदिरा गांधी ने भूकंप कराया, इतना विनाश किया। नदियों में बाढ़ से तबाही हो तो सीधा आरोप, इंदिरा गांधी के कारण बाढ़ आई और इतना विनाश हुआ। साधो, पंजाब समस्या को लो, इस बारे में विरोधी लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं। वे कहते हैं कि पंजाब की समस्या इंदिरा गांधी ने पैदा की, अकालियों को दोष नहीं देते। बात आगे बढ़ी तो समझौता वार्ता चलने लगी, विरोध पक्ष ने अकालियों को उत्तेजित करके कोई समझौता नहीं होने दिया, मगर बयान दिए इंदिरा गांधी समझौता करना ही नहीं चाहती। समझौता नहीं करना, इसमें वे राजनीतिक लाभ देखती हैं। इस बीच हत्यारे आतंकवादियों के गिरोह का नेता
भिंडरांवाला सबसे ऊपर आ गया और पंजाब में हत्याएं होने लगी। तब इन्हीं विरोधियों ने बड़ी समझदारी की बात की कि भिंडरांवाला को इंदिरा गांधी ने बनाया है और वो उनका एजेंट है। क्या सच है क्या झूठ सब खुल जाएगा, मगर मैं समझ के आदमी से पूछता हूँ, क्या किसी देश का प्रधानमंत्री इतना मूर्ख होगा कि खुद हत्यारों और आतंकवादियों की फौज बनवाए अपने ही देश के भीतर और इस प्राइवेट आतंकवादी फौज का किसी को नेता बनाए? ऐसा कोई पागल और मूर्ख प्रधानमंत्री कर सकता है? वो आतंकवादियों की फौज प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आगे चलकर कार्यवाही कर सकती है। इंदिरा गांधी बहुत चतुर चालाक व समझदार प्रधानमंत्री हैं। भिंडरांवाले की हथियार बंद फौज वे खुद बनवाएंगी, ऐसी ना समझ प्रधानमंत्री उन्हें कोई नहीं मानेगा। साधो, जब हत्याएं होने लगी, बैंक लुटने लगे और विरोध के नेता मारे जाने लगे, तब इन नेताओं ने चिल्लाना शुरू किया कि इंदिरा गांधी कठोर कदम नहीं उठा रही हैं, उन्हें कठोरता से आतंकवादियों को कुचल देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें जान से मार डालने की धमकी मिल रही थी, बार बार चिल्लाने लगे कि स्वर्ण मंदिर में सेना भेज देनी चाहिए। यही अटल बिहारी वाजपेयी कुछ महीने पहले कहते थे कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार की पुलिस पंजाब में अत्याचार कर रही है। साधो, स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई हो गई और पंजाब में छिपे आतंकवादियों को निकाल रही है, मगर उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी की मांग है कि पंजाब में सेना भेजने की उच्च स्तरीय जांच हो। ये सब मामला कितना हास्यास्पद है। पिछले 5-6 महीनों में इस विरोध पक्ष के कारनामे और बयान पर तो बच्चे को भी हंसी आ जाएगी। अगर साधो इस पर ध्यान दो कि भारत में विरोध पक्षी होना कितना सरल है, कितना सीधा फॉर्मूला है। अब असम को लो, ये भी बहुत सरल मामला है। असम समस्या इंदिरा गांधी ने पैदा की, ये बात ये कहे जाएंगे। दूसरे लोग सब जानते हैं कि असम समस्या विदेशी एजेंटों, खासकर चीनी एजेंटों, CIA मिशनरियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पैदा की। असम आंदोलन के नेता दिल्ली में प्रधानमंत्री से समझौता करके निकलते थे और विरोध के नेता उनसे दूसरे दिन बयान दिलवा देते थे कि हमारा कोई समझौता नहीं हुआ, हम आंदोलन चालू रखेंगे। ये नेता बयान देते थे कि आंदोलनकारी तो समझौते को तैयार थे, परंतु इंदिरा गांधी समझौता करना नहीं चाहती। साधो, जरा सोचो कि क्या कोई प्रधानमंत्री अपने बारे में ये राय बनने देगा कि उससे आंतरिक समस्या हल नहीं हो रही? साधो, कितना आसान काम है भारत में इस दक्षिणपंथी विरोध पक्ष का। दुनिया के दूसरे लोकतंत्रों में विरोधी राजनेता अगर गंभीर है, सोचते हैं, समस्या का हल खोजते हैं, अध्ययन करते हैं, देश हित का ख्याल रखते हैं, तो फालतू मेहनत करते हैं। बेवकूफ़ लोग हैं, उन्हें भारत आकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए।